करने का लालच देकर लोगों से लाखों रुपए की ठगी की गई है। ठगी के शिकार लोग अब इंसाफ के लिए दर दर भटक रहे हैं। ग्रामीणों ने कंपनी पीएसीएल कंपनी लिमिटेड के खाते में पैसा जमा किए थे, लेकिन जब पैसे लेने की बारी आई तो ना तो बैंक का पता है और ना ही एजेंट का, कुछ सुराग मिल रहा है। ठगी के शिकार लोगों से बात की बघा संवाददाता मुन्ना राज ने। पश्चिमी चंपारण में एक ठगी का बड़ा मामला सामने आया है और पीएसीएल नामक कंपनी पैसा दोगुना करने के नाम पर इन लोगों से जमा कराई और ग्रामीण महिलाएं हैं और ग्रामीण लोग हैं जो एक एक रुपया इकट्ठा करके अपना बचत करते हैं और इन महिलाओं के साथ ही गांव के तमाम लोग हैं जो ठगी के शिकार हुए हैं और बताया जाता है कि यह ठगी करोड़ों रुपए में है। तो तमाम ऐसे लोग हैं जो ठगी के शिकार होने के बाद अब प्रशासन के पास और स्थानीय थाना स्तर पर न्याय की गुहार लगा रहे हैं। ये लोग अपना पेट काट काट के एक एक रुपया जमा किए हैं और ये कंपनी पीएलसीएल है जो यहाँ के एजेंट हैं गुड्डू प्रजापति, गोविंद प्रजापति और किशोर राम। इन्होंने सब लोगों से पैसा जमा करवाया और बोला कि इस पैसा की जिम्मेदारी मेरी है, अगर कंपनी किसी प्रकार का दिक्कत करता है तो ये पैसा के देनदार हम लोग हैं और अपने घर से ही पैसा देंगे। लेकिन एक चूली क्या हुआ है कि जब हम लोग पैसा की मांग करें तो ये लोग हमारे साथ मारपीट गाली गलौज करते रहे और पूरे पब्लिक को गाली दे रहे हैं, बोल रहे हैं जहाँ जाना है जाओ आप लोग, हम लोग कहीं पैसा नहीं देंगे। क्या कह के जमा कराओ? जमा करो ना, जब वो भाग जाए तो हम ना भागब, हम देव अपन खेत बाड़ी बेच के देव तब हम के जमा करे लगनी। डबल करे के बात बोले की पैसा डबल मिलता क्या? हाँ डबल दो कॉल और ब्याज लगा के दिया ही डबल। हाँ पैसा कहाँ से जमा करनी सर? पैसा मजदूरी को के अभी माल जाल रखला रहे अभी जितना जितना अभी उठी कर दो तो उतना जमा कर लेगा। गरीब आदमी बात कमाई के नहीं जमा करी, अपन सूद पर चला चला के अपन अथी करबा जान के मुंह ना जो है के रही। आई एबरा मांगे जल जाता तो धमकी देता लोग कि जा के जहां मन करे तहां जा। बैंक कहां गई? अब बैंक वे लोग अब जाए लोग बैंक कहां गई? अब ये लोग न्यायपालिका के साथ ही स्थानीय थाना का चक्कर लगा रहे हैं कि ताकि इनका एक एक रुपया जो कमाया हुआ धन है इन्हें वापस मिल सके। मुन्ना राज, न्यूज 18 पश्चिम चंपारण। और खबर राजधानी पटना से है जहां पटना पुलिस ने 31 जुलाई की रात दो लूटकांड में शामिल गिरोह का खुलासा कर दिया है। कोतवाली थाना और बुद्ध कॉलोनी थाना क्षेत्र में लगातार दो लूटकांड का अंजाम दिया गया था। लूटकांड में शामिल अपराधी विक्की को गिरफ्तार कर लिया गया है। सिटी एसपी सेंट्रल के मुताबिक विक्की का आपराधिक इतिहास रहा है और लूटकांड में शामिल दूसरे अपराधी की भी पहचान हो गई है जिसकी गिरफ्तारी में पुलिस जुटी हुई है। और एक की जो इंटरवीनिंग राइट नाइट थी उस पर कोतवाली और बुद्धा कॉलोनी दोनों थाना क्षेत्र में एक ही ग्रुप ऑफ जो क्रिमिनल्स थे उनके द्वारा दो लूट की घटनाएं कारित की गई थी। इस घटना के तुरंत बाद जो है हमारी टीम जो है अपनी कार्रवाई शुरू कर दी थी उसने और घटना के 24 घंटे के अंदर ही जो है एक व्यक्ति की गिरफ्तारी हो गई है। जो मोटरसाइकिल जिसका यूज़ किया गया था उसकी बरामदगी हो गई है और जो लूटे गए सामान थे उसकी उनमें से कुछ सामान की जो है बरामद। और पटना पुलिस ने पूर्णिया के शोरूम में हुए करोड़ों रुपए के आभूषण लूट मामले में दो लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपियों ने अपराधियों को सहयोग किया था, इस बात का खुलासा पटना के सिटी एसपी ने किया। सिटी एसपी के मुताबिक आरोपियों का आधार कार्ड बनवाने में मदद करने वाले और जिस प्रेस में आधार कार्ड बना है वहां के एक शख्स को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने प्रेस में 38 आधार कार्ड भी जब्त किए हैं। उनके जो आधार कार्ड थे वो फर्जी बनाया गया था और उसमें जो है पटना के कुछ लोग जो है उनकी मिलीभगत थी। तो हमारी टीम ने जो एसटीएफ की टीम थी उनसे सूचना प्राप्त किया था कल और इसमें जो है कल शाम के वक्त जो है हम लोगों ने इसमें जो है रेड करवाया और एक व्यक्ति जो है पाटलिपुत्र थाना क्षेत्र से पकड़े गए जिन्होंने इस बात को की स्वीकार की कि उन्होंने जो है आधार कार्ड बनवाने में मदद की थी। उन्होंने जेल से संपर्क किया था और अपराधियों को जो है आधार कार्ड बनवाने की जो है उन्होंने जिम्मेदारी ली थी। इस संबंध में जो आगे इनके द्वारा बताया गया कि किस स्टूडियो से जो है इन्होंने आधार कार्ड बनवाया था वहाँ पे भी हमारी टीम जो है तुरंत रेड की और एफएसएल की टीम को भी बुलाया गया और जो वहाँ पे जो है करीब 38 आधार कार्ड्स मिले हैं हमें जिनकी सत्यता की अभी जांच चल रही है। और इसके अलावा जो वहाँ के जो जो मैनेजर है
उन्होंने स्वीकार किया कि जो है उन्होंने चार जो है फर्जी आधार कार्ड जो है एडिट किया वो एडोबी फोटोशॉप का यूज़ करते हुए, और जो है ये कुछ पैसे लेकर के जो है ये उन्होंने दूसरे अभियुक्त को जिसको हम लोगों ने अभी पकड़ा है उसको दिया। और सुपौल के एनएच 327 पर पुलिस ने गाड़ी चेकिंग अभियान चलाते हुए शराब से भरे हाइबा ट्रक को जब्त कर लिया। पुलिस ने हाइबा की जांच करते हुए करीब 292 पेटी और 50 बोतल शराब जब्त की है, जिसकी कीमत 35 लाख रुपए बताई जा रही है। वहीं अंधेरे का फायदा तस्कर उठाने में कामयाब रहे और फरार हो गए। हाइबा ट्रक तेजी से आई तो उसको रोकने का इशारा किया लेकिन ट्रक रुकी नहीं, आगे बढ़ गई। टीम जो है उसको अब संभल कर चेंज की तो वो ट्रक एक पेट्रोल पंप के पास आ गया और वहीं पर रोक के रात का अंधेरा का फ़ायदा उठा के वहाँ पर उसके ड्राइवर और ये सब भाग गया। ट्रक की तलाशी ली गई तो ट्रक के हाइवा जो लगी थी उसमें पीछे गिट्टी रखा हुआ था और गिट्टी के अंदर छुपा कर करीब 292 पेटी और 50 बोतल शराब उसमें था। और बांका के बौसी पुलिस ने शराब तस्कर को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने गाड़ी चेकिंग अभियान चलाते हुए शराब से लदे ट्रक के साथ ड्राइवर को गिरफ्तार किया है। करीब 50 लाख रुपए की विदेशी शराब भी जब्त की है। गिरफ्तार तस्कर शराब की खेप को झारखंड के दुमका जिला से बांका ले जा रहा था। और मधेपुरा के पुरानी थाना क्षेत्र में 31 जुलाई को शिक्षक पर हुई गोलीबारी मामले में पुलिस ने खुलासा किया। गोलीबारी की घटना में शामिल आरोपी सहकर्मी शिक्षक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। शिक्षक को एनएच 106 पेट्रोल पंप के पास स्कूल जाते वक्त गोली मारकर घायल किया गया था। घटना के 24 घंटे के अंदर गोली मारने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर दिया गया है। पुलिस मामले में जुड़े एक और आरोपी की गिरफ्तारी की कोशिश कर रही है। और बेगूसराय के पसपुरा गांव में पारिवारिक विवाद में युवक की हत्या कर दी गई। 3 दिन से लापता युवक का नदी से शव बरामद किया गया है। मृतक के परिजनों ने बताया 10 साल पहले गांव के 3 लोगों ने मृतक यशवंत के चाचा की हत्या कर दी थी। मामले में केस दर्ज कराने के बाद हत्या की धमकी दी जा रही थी। मृतक के पिता ने तीनों आरोपियों पर हत्या का आरोप लगाते हुए कड़ी कार्रवाई की मांग की है। अफरित हो गया है, मिल नहीं रहा है, पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, हम लोगों ने जाम कर दिया। हमने कहा कि आज एक और घटना घटी है इसलिए पुलिस उसमें लगी होगी, पुलिस उसमें काम करेगी, लेकिन हमें लगता है कि इस बच्चे का अपहरण किया गया। अब जो घटनाक्रम सामने आया है उसमें तो साफ लगता है कि मुकेश के भाई की हत्या, मनोज की हत्या हुई थी, उसका केस खुला हुआ था और जैसा कि पीड़ित परिजन कहते हैं कि उनके दबाव बनाया जा रहा था। बिहार में अब 50% आरक्षण रोस्टर के आधार पर वैकेंसी निकलेंगी, जिसे लेकर सभी विभागों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बीजेपी एमएलसी जीवन कुमार ने दावा किया कि अब लाखों बेरोजगारों को मौका मिलेगा। उन्होंने सीएम नीतीश और शिक्षा मंत्री से लाइब्रेरियन की भी बहाली की मांग की है। बता दें कि बिहार में 7,000 से ज्यादा लाइब्रेरियन के पद खाली है। 2008 में भी आपको याद होगा बहाली हुई थी और 8 के बाद वो कुछ बहाली पेंडिंग था तो 15 तक हुआ था, और जो पेंडिंग बहाली है वो निश्चित रूप से उसकी भी बहाली होगी, क्योंकि हमको तो उस रूट में जाना ही जाना है, हम लोग तो ये तय कर चुके हैं। खाली पड़े पद पर इस बार उम्मीद करें कि विज्ञापन आएगा? निश्चित रूप से उसके तरफ हम लोग अग्रसर हैं और हमारे माननीय मंत्री जी भी पूरी तरह उसमें पॉजिटिव हैं और पूरी विभाग शिक्षा विभाग हमारा पॉजिटिव है। तो ये युवाओं के लिए इस बार हमारा खासकर लाइब्रेरियन के लिए भी कहें कि निश्चित रूप से उसका कुछ न कुछ पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिलेगा। और सिपाही चयन परिषद की परीक्षा 7 से 28 अगस्त तक होगी। सिपाही चयन आयोग के अध्यक्ष जितेंद्र कुमार ने इसकी जानकारी दी है। पिछले साल बहाली को लेकर 2 विज्ञापन निकाले गए थे, उसी के आधार पर यह परीक्षा ली जा रही है। कुल 6 चरणों में यह परीक्षा आयोजित की जाएगी। कुल 17,87,720 अभ्यर्थियों ने इस परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन कराया था और हर परीक्षा में लगभग 2.5 से 3 लाख अभ्यर्थी शामिल होंगे। राज्य के 38 जिला मुख्यालय में 545 केंद्र बनाए गए हैं। 6 चरणों में अगस्त महीने में 7 अगस्त से लेकर के 28 अगस्त तक आयोजित की जाएंगे। हमने अपने पहले की व्यवस्थाओं में राज्य के सभी साइबर थाना, मुख्यालय के साइबर थाना और आर्थिक अपराध इकाई के स्तर से सोशल मीडिया आदि पर अपनी जांच निगरानी प्रारंभ कर चुके हैं वो, और ये लगातार जो है पूरी अवधि तक चालू रहेगी और चलती रहेगी।
और वो किसी भी संदिग्ध बातों पर अपने जो उनके जो एल्गोरिथम है उसके आधार पर संदिग्ध बातों या कि इंडिकेशंस उनको जो है एनालाइज कर रहे हैं, जांच कर रहे हैं और उन पर कार्रवाई कर और उस पर नजर रख रहे हैं कड़ी नजर। और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर निशाना साधा। दिलीप जायसवाल ने तेजस्वी यादव के साथ उनके परिवार के लोगों को आरक्षण विरोधी बताया, साथ ही कहा कि ऐसे लोगों को आरक्षण पर बोलने का कोई हक नहीं है क्योंकि उन्होंने सत्ता में आरक्षण नहीं दिया और आज दूसरों की वासुरी पर ताल दे रहे हैं। आरक्षण पर बोलने का कोई हक नहीं है क्योंकि जब तक वो लोग सत्ता में रहे तब तक उनको आरक्षण का याद नहीं आया। मैं प्रेस के मीडिया के भी बंधु से पूछना चाहूंगा कि जब तक लालू यादव जी सत्ता में रहे तब तक उन्होंने कभी कोई आरक्षण देने का काम किया क्या? तो जो व्यक्ति, जो परिवार, जो दल आज तक आरक्षण देने का काम नहीं किया आज दूसरे के बांसुरी पर ताल दे रहे हैं, म्यूजिक देना चाहते हैं। दरभंगा में 126 करोड़ की लागत से डीएमसीएच कैंपस में 400 बेड के सर्जिकल भवन का उद्घाटन 10 महीने पहले हुआ था लेकिन आज भी इसका लाभ लोगों को नहीं मिल पा रहा है। दरभंगा के नगर विधायक संजय सरावगी ने अस्पताल का जायजा लिया। इस दौरान वे तेजस्वी यादव पर जमकर भड़के, उन्होंने क्रेडिट लेने के लालच में अधूरे भवन का उद्घाटन किए जाने का आरोप लगाया। आभास हो गया था, अब मेरा चल चलन का बढ़िया है, इसलिए नवंबर में केवल पत्थर लगाने के लिए, बोर्ड लगाने के लिए इस सर्जिकल वार्ड का उसने उद्घाटन कराया था। लेकिन जब से हम लोग की सरकार बनी, मंगल पांडे जी स्वास्थ्य मंत्री बने, युद्ध स्तर पर काम हो रहा है। आप समझ लीजिए युद्ध स्तर पर काम हो रहा है, तब 7 महीना लग गया तो नवंबर में क्या स्थिति रही होगी। और जल्द से जल्द इसको प्रारंभ किया जाएगा, लगातार मैं आया हूँ, काम भी चालू है, हम लोग उम्मीद करते हैं जल्द से जल्द चालू हो जाएगा। लेकिन जिस समय तेजस्वी यादव जी को बोर्ड लगाने की चलती थी उस समय आधा काम भी नहीं हुआ था। हाँ, कंपनी तो बना रही डीएमआईसीएल के इसमें देख रेख में जो है कि काम हो रहा है और हम समझते हैं कि विधायक जी के आने से जो है कि काम में त्वरित कार्रवाई होगी और प्रगति तेज हो पाएगी। और तेजस्वी यादव ने बिहार में आरक्षण का दायरा बढ़ाने के फैसले को 9वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग की है। तेजस्वी यादव ने कहा कि नीतीश कुमार अगर केंद्र से बात नहीं मनवा पाएंगे तो वो आंदोलन करेंगे। तेजस्वी यादव के बयान पर बिहार में सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। ये खेल जो ये लोग खेलना चाह रहे हैं ये साफ दिखाता है कि इनके नीयत पे सवाल उठ रहा है। बिहार विधानसभा के चुनाव भले ही अगले साल होने वाले हैं, सियासी माहौल बनाने और राजनीतिक मुद्दों को गरमाने का काम अभी से तेज हो गया है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव 15 अगस्त से राजनीतिक यात्रा पर निकल रहे हैं। उसके पहले तेजस्वी ने आरक्षण के आजमाए हुए हथियार को फिर से धार देना शुरू कर दिया है। पूरा भरोसा है कि एनडीए की सरकार चाहे बिहार वाली हो या देश में हो, ये नहीं चाहते हैं कि जो आरक्षण की सीमा बढ़ाई गई है उसको अनुसूची 9 में डाले। तेजस्वी यादव ने बिहार में बढ़े हुए आरक्षण को नवी अनुसूची में शामिल करने की मांग करते हुए बीजेपी और जेडीयू दोनों पर निशाना साधा है। तो ये खेल जो ये लोग खेलना चाह रहे हैं ये साफ दिखाता है कि इनके नियत पे सवाल उठ रहा है, कि इनके नियत ही नहीं है कि इसको शेड्यूल 9 में किया जाए। तेजस्वी यादव के आरक्षण वाले दांव पर बिहार में सियासत बेहद गर्म है और बयानबाजी तेज। किसने क्या कहा वो भी बताएंगे, सुनाएंगे, लेकिन पहले ये जानना जरूरी है कि नवी अनुसूची है क्या और कैसे। तेजस्वी यादव नवी अनुसूची के बहाने राजनीतिक जमीन मजबूत करने में जुटे हैं। भारत के संविधान में फिलहाल 12 अनुसूचियां हैं। नवी अनुसूची में केंद्रीय और राज्य कानूनों की एक लिस्ट है। नवी अनुसूची में शामिल कानून को अदालतों में चुनौती नहीं दी जा सकती, यानी नवी अनुसूची में डाले गए कानूनों को न्यायिक समीक्षा से छूट मिल जाती है। आपको बता दें, जातीय गणना के बाद बिहार सरकार ने आरक्षण के दायरे को बढ़ाकर 65% कर दिया और इस मामले को नवी अनुसूची में शामिल करने के लिए केंद्र सरकार के पास भी भेज दिया। इसी बीच आरक्षण बढ़ाने का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया और सुप्रीम कोर्ट ने फैसले पर रोक लगा दी।
अब तेजस्वी यादव नवी अनुसूची के बहाने एक तीर से दो निशाना साध रहे हैं, जिसका जवाब जेडीयू और बीजेपी के नेता दे रहे हैं। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की राजनीति की कार्यशैली वह क्या करेंगे, तेजस्वी यादव जी आपके सलाह की जरूरत नहीं है। कि अपने परिवार से बाहर जाकर तो उन्होंने किसी को आरक्षण दिया है क्या, और आज आरक्षण की हिमायती बन रहे हैं? नेता बनेंगे तो राबड़ी देवी, नेता बनेंगे तो तेजस्वी यादव, नेता बनेंगे तो लालू यादव, इसके नेता बनेंगे तो मीसा भारती, इसके इतर कहां गए तेजस्वी यादव? फिलहाल बिहार सरकार की अर्जी केंद्र सरकार के पास है और मामला सुप्रीम कोर्ट में। विधानसभा चुनाव में एक साल से भी कम का समय है, ऐसे में आरक्षण के इस मुद्दे पर जमकर सियासत होने की उम्मीद है। न्यूज 18 के लिए पटना से रवियस नारायण और शैलेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और पंजाब के मोहाली में प्रवासियों के लिए बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई है। मोहाली के मधो संगति यान गांव की ग्राम पंचायत ने प्रवासी मजदूरों को गांव खाली करने का आदेश पारित करने के बाद विवाद खड़ा कर दिया है। अब प्रवासी कामगार खेत में काम तो करेंगे लेकिन गांव में नहीं रह पाएंगे। एक रिपोर्ट। खेत में काम कराएंगे लेकिन गांव में घुसने नहीं देंगे। हैरान कर देने वाला फरमान पंजाब के मोहाली से आया है। मोहाली के ग्राम पंचायत मुधो संगतिया की तरफ से एक विवादित प्रस्ताव पास किया गया है। गांव में रह रहे प्रवासियों को गांव छोड़ने का फरमान सुनाया गया है। प्रस्ताव के मुताबिक गांव में कोई भी प्रवासी को रहने के लिए जगह नहीं देगा, जबकि जो रह रहे हैं उनको गांव छोड़ने के लिए कुछ समय दिया गया है। फैसला किया भी असी जेड़ा कोई बारला गैर पंजाबी बंदा हो पिंड दे विच असी किराए ते भी नहीं रहन देना, जे किसी ने रखना तां ओ अपना काम करावे, खेत रखे तो उत्थों वापस मोड़। करीब 1500 आबादी वाले गांव में यूपी बिहार और राजस्थान के करीब 50 प्रवासी हैं, जिनमें 30 लोग 10 साल से ज्यादा समय से यहां रह रहे हैं, जिनका आधार और वोटर कार्ड भी यहीं के पते पर बना है, जिनको अब गांव छोड़ने को कह दिया गया है। सवाल है कि ऐसा फरमान क्यों जारी किया गया। इस पर गांव वालों का कहना है कि प्रवासी लोगों के रहने के कारण इलाके में आपराधिक और असामाजिक गतिविधियां बढ़ती जा रही हैं, जिसकी वजह से ये प्रस्ताव पास किया गया। अपना पता ठिकाना ही गलत रखा देंगे, और उससे समस्यावां खड़ियां होंदियां ने। प्रवासी मजदूर अपने घर गांव को छोड़कर दूसरे राज्य कमाने के लिए जाते हैं, ताकि उनके परिवार का पालन पोषण हो सके, लेकिन दूसरे राज्य में अक्सर उनके साथ दोयम दर्जे का व्यवहार किया जाता है, खासकर बिहार और यूपी के कामगारों के साथ, जैसा कि मोहाली में हुआ है। सवाल है कि आपराधिक और असामाजिक हरकत तो कोई भी कर सकता है, क्या इसके लिए किसी खास क्षेत्र के लोगों को टारगेट करना ठीक है? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। पंजाबी बंदा हो दरभंगा के बहादुरपुर प्रखंड के उप प्रमुख मनोज सिंह के ऑफिस की छत का कुछ हिस्सा अचानक से टेबल पर आ गिरा। गनीमत रही कि हादसे में उप प्रमुख बाल बाल बच गए। वीडियो ने इस मामले में कहा है कि पूरे मामले को लेकर विभाग को लिखा गया है और यहां नए भवन बनाना जाना जरूरी है। और बिहार नगर पालिका अधिनियम 2007 में संशोधन कर अधिकार दिलाने की मांग को लेकर उप मुख्य पार्षद महासंघ ने पटना के विद्यापति भवन में बैठक की। इस दौरान विभागीय मंत्री नितिन नवीन भी शामिल रहे। उप मुख्य पार्षद के अध्यक्ष पिंटू रजक ने कहा कि उन्हें उनके अधिकार से दूर कर दिया गया है। जब भी अधिकार की बात आती है तो सारी शक्तियां मेयर को दे दी जाती हैं और वो इन्हीं अधिकार को लेकर लगातार संघर्ष कर रहे हैं। नितिन नवीन ने उप मुख्य पार्षद की बातों को सुना और उनके सम्मान की रक्षा करने का भरोसा दिया। निकाय के प्रतिनिधियों का सम्मान पूरा बढ़ाएंगे, हमने उनके साथ वार्ता भी की है और नगर परिषद के सारे लोग के साथ हम बैठे हैं और सभी लोगों से जो राय विचार हुआ है सरकार उस पर सकारात्मक रूप से विचार करने जा रही है, लेकिन जब तक राज्यपाल के यहाँ विषय है एक बार बातचीत होकर आगे बढ़ने दीजिए, जैसे ही निर्णय होगा समय पर निर्णय करेंगे। और मैं तो अभी भी कहता हूँ जनप्रतिनिधियों से, आपके सम्मान में कोई भी गड़बड़ आएगी, रुकावट नहीं आएगी, ये मैं
इसका कमिटमेंट करते हैं। अब एक चूंकि सामान्य धारा में लोग आ गए हैं, जिस तरह से मेयर उपमेयर है, अब जब अधिकार की बात आती है तो पिछले 1.5 साल से हम लोग संघर्ष कर रहे हैं अपने अधिकारों के लेकर, तो राज्य सरकार का बिल्कुल हम अभिन्न अंग है, हम उनका विरोध नहीं कर रहे हैं। ये जो सम्मेलन है हमारे अपने अधिकारों को लेकर है, राज्य सरकार के विरोध में नहीं है, हम अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं। और ये मेयर का मसला नहीं है, ये हमारे पूरे बिहार डिप्टी मेयर का मसला है, हम अपने अधिकारों की लड़ाई के लिए लड़ रहे हैं। और माननीय मंत्री नितिन नवीन जी से हमारी 2-3 राउंड बैठक हो चुकी है, उन्होंने आश्वासन दिया है कि आप लोग को निराशा नहीं हाथ लगेगी, अधिकार जरूर मिलेगा। तो अपना बिहार में फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड।